नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पर मध्य प्रदेश की बालाघाट रामपायली से बकरीद मनाई गई। वारासुनी क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायत रामपायली में भी बकरीद मनाई गई। मुसलमान भाइयों द्वारा मस्जिद में जाकर सुबह करीब 6:30 पर अपने परंपरागत नियमानुसार नमाज की रस्म अदा की गई तथा नमाज के पश्चात सभी मुसलमान भाइयों द्वारा एक दूसरे को बकरीद की मुबारक भी दी गई तथा मुसलमान भाइयों द्वारा कोविड-19 के चलते शासन के निर्देशों का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर हिंदू भाइयों द्वारा सभी नमाजियों को मिठाइयां खिलाकर बकरीद की मुबारक दी गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट। जी आपका नाम? मैं मौलाना शाहिद रजा, इमाम खतीब जामा मस्जिद रामपायली। आज ईद के मौके पर तमाम देशवासियों को, मुल्क के बाशिंदों को ईद की बेशुमार मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही ये आह्वान करता हूँ और कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में वबा फैली हुई है, जिसे कोविड-19 के नाम से। जी आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद कादरी, अंजुमन प्रेसिडेंट रामपायली। और आज 27/7/2021 बरोज बुध के दिन ईद उल अज़हा का त्यौहार हमारे रामपाली मनाया गया। कोरोना काल को देखते हुए या जो महामारी अपने देश में अपने फैली हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ख्याल रखते हुए हम लोगों ने 2 शिफ्टों में नमाज अदा करवाई है, जिसका टाइम सुबह 6:30 रखा था और अभी 1:08 हम लोगों ने यहाँ नमाज अदा करवाई है ईद उल अज़हा की, ताकि भीड़ ना हो और कोरोना काल का भी हम लोग ख्याल रखते हुए चले गए।